हे गाइस, तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडब्ल्यू की फॉर्मर टैग टीम आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड गाइस, हमारे कोडी रोड्स को लेके क्या प्लान्स है, स्मैकडाउन की रियल व्यूअरशिप आ चुकी है सामने। तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है रे फिनिक्स एंड पेंटागन से। तो आपको पता ही है एडब्ल्यू में लूचा ब्रो के नाम से थी, मतलब टैग टीम थी। तो गाइस डब्ल्यू ने साइन कर लिया है। रिंग साइड न्यूज़ की अपडेट आई है कि ये मल्टी जीयर डील में आ चुके हैं डब्ल्यू के साथ। एंड आपको बहुत जल्दी ये डब्ल्यू में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। एंड्रॉयड ऑन दिस इज अ कंफर्म अपडेट, डब्ल्यू में ये आ चुके हैं। डब्ल्यू बहुत जल्दी इनका यूज़ करेगी। एंड देखो अभी ये किसके साथ रखते हैं, आई थिंक यार इन्हें अंद्रादे के साथ पेयर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये अंद्रादे के साथ पेयर होते हैं ना, कि अंद्रादे भी लूचा लिब्रा से आते हैं एंड गाइज हमारे जो ये दोनों हैं वो भी लूचा लिब्रा से, तो इनकी टैग टीम बनानी चाहिए अंद्रादे के साथ। तो देखो गाइज क्या ये नेक्स्ट टीम में आते हैं या डब्ल्यू में आते हैं अभी तो पता नहीं। लेकिन गाइज रिंग साइड की अपडेट है कि वो आ चुके हैं दोनों डब्ल्यू में। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी बियंका ब्लेयर से। बियंका ब्लेयर कह रही है कि हमें एक और टाइटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए वुमेन डिवीजन में, क्योंकि वुमेन डिवीजन राइट नाउ बहुत बेस्ट है। एंड वुमेन डिवीजन में वो तो वुमेन टैग टाइटल्स भी है, तो वो बियंका ब्लेयर जेड कारगिल के पास है। लेकिन वो कहते हैं कि एक और टाइटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि एक और टाइटल आए वुमेन डिवीजन में। एंड बेस्ट वेस्ट आई थिंक इन फ्यूचर डब्ल्यू ये चीज़ करेगी, बिकॉज ऑफ रीजन एनएक्सटी में आपको पता नॉर्थ अमेरिकन वुमेन चैंपियनशिप आई है, तो इन फ्यूचर आएगी। लेकिन अभी डब्ल्यू के कोई प्लान्स नहीं है ऐसे। लेकिन बियंका ब्लेयर का कहना ये है कि आई वॉन्ट टाइटल, तो हमें टाइटल चाहिए। तो देखो गाइज कब तक आती है वुमेन डिवीजन में एक न्यू टाइटल। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है मैट हार्डी से। मैट हार्डी ने टीएनए में भाई ट्रिब्यूट दिया ब्रे वाइट को। उन्होंने आपको पता है फेस पे वो कलर लगा गया था, तो ब्रे वाइट जैसे मास्क का कलर लगा गया है एंड दे ट्रिब्यूट ब्रे वाइट। तो गाइस ऐसा होता है बिकॉज ऑफ रीजन कई बार सुपरस्टार ट्रिब्यूट देते हैं मतलब अपने अंदाज में, तो मैट हार्डी ने ट्रिब्यूट दिया। नेक्स्ट अपडेट सो गाइस स्मैकडाउन शो ने टेक अ टॉप व्यूअरशिप, बिकॉज ऑफ रीजन स्मैकडाउन शो टेक टॉप व्यूअरशिप इन ब्लड लाइन सेगमेंट। तो ब्लड लाइन के सेगमेंट में स्मैकडाउन ने टॉप व्यूअरशिप टेक की है। एंड गाइस ये वो सेगमेंट पीक व्यूअरशिप पे गया था एंड 1.7 राउंड के मिलियन व्यूअरशिप रही थी जब ब्लड लाइन का सेगमेंट चल रहा था। और गाइस क्या कोडी रोड्स एंड हमारे रोमन रेंस का जो मैच होने वाला है उसमें कुछ चीज़ें होने वाली, बिकॉज ऑफ रीजन बैड ब्लड में ये मैच होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उसके अराउंड ये मैच होगा वो आई थिंक नेक्स्ट लेवल हो सकता है। क्योंकि गाइस इस मैच में आपको बहुत से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं कि आपसे कोई ब्लड लाइन का मेंबर भी आपको इंट्रोड्यूस होता दिखे, क्योंकि बैड ब्लड इज़ द प्लेस टू डेब्यू फॉर न्यू ब्लड लाइन मेंबर, क्योंकि इको लियो का डेब्यू भी होना कन्फर्म माना जा रहा है एंड ये वाला चीज़ जो होगी वो बेस्ट लेवल पर होगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी है एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल का वैसे कभी रिटर्न नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। डेव मेडिसन ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कह दिया है कि देखो एजे स्टाइल के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका रिटर्न नहीं हो रहा। बिकॉज ऑफ रीज़न एजे स्टाइल राइट नाउ कोई स्टोरी लाइन नहीं है उनकी, कोई कुछ नहीं है, मतलब कोई स्टोरी लाइन उनका पता नहीं है। तो इसी बात पर ट्रिपल एच यार अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वो इतना बेस्ट टैलेंट है जिसने लाइव इवेंट्स में 100 मैचेस तो अभी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उसका जो मेन रोस्टर पे जो भी हो रहा है वो कुछ हो नहीं रहा, तो बुरा लग रहा है कई फैंस को उनके। तो ये बेस्ट वे से दिखाया गया। लेकिन गाइज आप अगर सोचा जाए तो एजे स्टाइल को अगर जजमेंट डे में डाला जाए तो वो बेटर हो सकता है। आई थिंक बैड ब्लड में कुछ ना कुछ तो एजे स्टाइल को हो सकता है, बाकी कोई प्लान्स नहीं है। तो बस मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी कैन शेपनॉक ऑन, जिन्होंने डील साइन की है लेजेंड वाली डब्ल्यू के साथ। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी अल्बर्टो डेल रियो। सो अल्बर्टो डेल रियो गाइस चाहते हैं कि वो डब्ल्यू में रिटर्न करें एंड गाइस वो आगे अपना ड्रीम मैच दे, तो आई थिंक डब्ल्यू उन्हें नहीं लेकिन, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब कमेंट्स किए थे, आपको पता है उनकी कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी जिसके कारण डब्ल्यू ने उन्हें निकाल दिया था। उसके बाद गाइस हमारी मेन मतलब जो अपडेट जुड़ी वो जुड़ी कल की स्मैकडाउन से। कल की स्मैकडाउन में बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, रूमर हैं कंफर्म है। एंड गाइस हमारे बैड ब्लड में कोई ना कोई चीज़ मस्त होने वाली है जो सबसे ख़तरनाक होगी, जो पता चल जाएगा कि हाँ बैड ब्लड में कुछ ना कुछ तो खतरनाक होने वाला है। एंड गाइस दिस इज़ अ अपडेट। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।